महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर बसे कौहा नाहरा घोड़ापेट जंगल में हथियार समेत नक्सली सामग्री बरामद की गई। ये कार्रवाई 24 नवंबर को छत्तीसगढ़ गोंदिया पुलिस ने संयुक्त तौर पर की है। इस संदर्भ में जानकारी दी गई कि नक्सल विरोधी अभियान शुरू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन द्वारा जंगलों में सर्च किया जा रहा है। गोंदिया पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे, अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिला पुलिस अधीक्षक डी श्रवण, उपविभागीय पुलिस अधिकारी खैरागढ़ के जीसी पति के मार्गदर्शन में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस नक्सल विरोधी अभियान में सर्च ऑपरेशन के दौरान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर छत्तीसगढ़ के गातापार के कैंप मलेदा अंतर्गत ग्राम कौहानारा घोड़ापेट जंगल में दोपहर 1:30 बजे के दौरान एक प्लास्टिक के ड्रम के अंदर एक नग भरमार बंदूक का बैरल, एक नग एचपी ग्रेनेड का आउटकवर, इलेक्ट्रिक वायर 5 बंडल, एक नग सोलर प्लेट, 23 नग बैटरी, 24 टार्च, सेलोटेप, चाकू एवं कन्वर्टर बॉक्स जंगल में नक्सली द्वारा छिपा कर रखा गया था, जिसे दल ने बरामद किया। उपरोक्त कार्रवाई गोंदिया के सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र भेंडारकर, बॉम्बशोधक पथक के मनोज मेंढे, एएसआई रमेश येड़े, एएसआई कोमलपुरी, पुलिस हवलदार रीना चौहान, बोरतलाव के अब्दुल समीर तथा छत्तीसगढ़ गोंदिया के बॉम्बशोधक दल ने की है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।